नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। दोस्तों, आजकल हमारे समाज में सुसाइड की जो टेंडेंसी है, आत्महत्या की टेंडेंसी है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और सुसाइड के अंदर सल्फोस नाम के पॉइज़न का प्रयोग किया जाता है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सल्फोस पॉइजनिंग के अंदर एक आधुनिक तकनीक जिसे इक्मो भी कहा जाता है, इसका कैसे इसके इलाज में प्रयोग किया जाता है और इक्मो के यूज़ की जो जानकारी है हमें देंगे जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, इक्मो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रामशरण चतुर्वेदी। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर रामशरण चतुर्वेदी सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामशरण चतुर्वेदी, कंसल्टेंट कार्डिक एनेस्थेटिक और एक्मो स्पेशलिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। आज दोस्तों हम सल्फोस पॉइजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा हमारे घरों में काले और ग्रे रंग की जो गोलियां होती हैं, अनाज और गेहूं की बोरियों में रखती हैं जिससे अनाज खराब ना हो, उनको हम सल्फोस की गोलियां कहते हैं। दोस्तों, सल्फोस एक कीटनाशक है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। इस सल्फोस का केमिकल नाम एल्युमिनियम फॉस्फाइड है। ये सल्फोस जो बहुत ही खतरनाक जहर है, अगर इसका सेवन कर लिया जाए, इसकी सेवन के दो रूट होते हैं, या तो ये इन्हलेशन हमारी स्किन के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर हम इसको एक्सीडेंटली पी जाएं या खुद ही पी लें। यह सल्फोस बहुत ही खतरनाक जहर है, इसके आधे ग्राम की गोली भी हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दोस्तों, सल्फोस की जो गोलियाँ हैं बाज़ार में ईजिली अवेलेबल हैं। हमारे आज के समाज में लोगों ने सुसाइड और आत्महत्या के लिए इन गोलियों का सेवन आसानी से करना शुरू कर दिया है और आज हमारे देश में ये मृत्यु का, स्पेशली हमारे वयस्क यंगों में, बहुत बड़ा कारण बन गया है। इससे मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये बहुत जानलेवा साबित होता है। दोस्तों, सल्फोस की गोली जैसे ही पेट में जाती है, पेट में एक हमारे एसिड होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये सल्फोस मिलके एक गैस बनाती है जिस गैस को हम फॉस्जीन गैस कहते हैं। वो गैस ही हमारे शरीर में सारे के सारे कारणों के लिए जिम्मेदार होती है। ये जो फॉस्जीन गैस है, ये हमारे शरीर के सारे बड़े अंगों पर बुरा असर डालती है। ये हमारे बड़े अंग जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स और ब्रेन पर भी असर डालती है। दोस्तों, इस सल्फोस पॉइजनिंग के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, वो सांस में तकलीफ़ आना, उल्टी होना, जी मचलाना, पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना, इस तरीके से होता है। दोस्तों, इस जहर का जो मृत्यु का मेन कारण है, वो हमारे दो अंगों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ना है। एक तो हमारे हार्ट पे, दूसरा हमारा फेफड़ों पे। दोस्तों, इसका जो हार्ट पे असर है, हार्ट की पंपिंग क्षमता को बहुत कम कर देता है। पंपिंग क्षमता कम होने की वजह से हमारे फेफड़ों में पानी भर जाता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों, इसका जो हार्ट पे दूसरा असर है, हार्ट पे सूजन करता है। सूजन की वजह से हमारी जो दिल की धड़कन होती है, वो उनमें अनियमितता आ जाती है। उनमें अनियमितता भी कई बार गंभीर कारण हो सकता है कि मृत्यु का कारण भी बन जाए। उन अनियमितताओं को हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। दोस्तों, इस जहर का असर जो है, हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत पे भी होता है, लिवर पे भी होता है। हो सकता है कि हमारी आंतों से खून का रिसाव, शरीर के अन्य अंगों से खून का रिसाव हो सकता है। इस जहर का असर साथ में हमारे ब्रेन पे भी होता है। ब्रेन में बेहोशी अवस्था, मिर्गी आना और कॉमेटोज अवस्था में भी ला सकता है। दोस्तों, सल्फोस पॉइजनिंग का पता करने के लिए हम दो टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट होता है सिल्वर नाइट्रेट इम्प्रेगनेटेड टेस्ट और दूसरा होता है गैस क्रोमेटोग्राफी विथ नाइट्रोजन। इसके अलावा सल्फोस खाए हुआ मरीज के लक्षण अलग होते हैं, साथ में उसकी सांस से लहसुन, गार्लिक जैसी स्मेल आती है। दोस्तों, इसका पता लगाने का जो सबसे आसान तरीका होता है, वो जो मरीज के परिजनों से हम हिस्ट्री लेते हैं, वो हमें सही जानकारी देते हैं। कई बार मरीज के परिजन जो है, उस डिब्बी को भी लेके आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे जो मरीज है, उसने ये जहर खाया है। दोस्तों, सल्फोस पॉइजनिंग की जो जानलेवा दर है, मृत्यु दर है, वो काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह के मरीजों में 99% मृत्यु दर पाई गई है। दोस्तों, इस तरह के मरीज जब भी अस्पताल आएँ, उनका इलाज तुरंत शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, हमारे मेडिकल फील्ड का ये दुर्भाग्य है कि आज तक सल्फोस पॉइजनिंग का कोई एंटीडोट नहीं है, ना ही कोई उसका स्पेसिफिक इलाज है। दोस्तों, मैं आपके साथ आज एक ऐसी आधुनिक तकनीक के बारे में बात करूंगा जो सल्फोस पॉइजनिंग की मृत्यु दर को 60 से 70% तक कम कर सकती है।
दोस्तों इस तरह की पॉइजनिंग के मरीज जैसे ही हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं हम उन्हें पूरा असेस करते हैं। असेस करने के साथ साथ हम उनका सपोर्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम राइस ट्यूब डालते हैं, राइस ट्यूब के रास्ते हम उनमें सोडा बाइकार्बोनेट और कोकोट्रिनोल डालते हैं, साथ में उनके ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। कई बार हमें बीपी की दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं। हो सकता है कि मरीज को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही सांस की मशीन की ज़रूरत पड़े, वहाँ ये वेंटिलेटर डालते हैं। और उनका पूरा असेसमेंट करने के बाद मरीज के परिजनों से हम एक्मो को विस्तार से उनको समझाते हैं कि क्या है एक्मो, एक्मो से कैसे हम मरीज की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्मो के बारे में। एक्मो की दो पद्धति होती हैं, एक तो वीनो वीनस एक्मो, दूसरा होता है वीनो आर्टेरियल एक्मो। दोस्तों सल्फास पॉइजनिंग में वीनो आर्टेरियल एक्मो का उपयोग करते हैं। बीबी एक्मो जो है वो निमोनिया के केसेस में यूज करते हैं, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए। दोस्तों ये जो वीनो आर्टेरियल एक्मो है ये हमारे शरीर के दो अंगों को बाईपास कर देता है। हम इसको इस तरह से बोलें कि हमारे दो अंगों को रेस्ट देता है, और रेस्ट देने का मतलब होता है कि ये जो पॉइजनिंग है जिसका असर इन हमारे दो बड़े अंगों में पड़ा है, जैसे जैसे सल्फास पॉइजनिंग की मात्रा शरीर से कम होती जाएगी ये अंग हमारे सुचारू रूप से फिर काम करने लगेंगे। लेकिन वो जो समय है दोस्तों जो जहर का असर उन अंगों पे पड़ा है, उन अंगों की वजह से जैसे कि फेफड़ों पे जो असर पड़ेगा, फेफड़ों पे असर पड़ेगा तो सारे शरीर में हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। इससे मरीज हमारा मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम में जा सकता है, उसकी वजह से हमारे शरीर के सारे अंग खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों इस पद्धति के माध्यम से हम शरीर में इस मशीन के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचाते हैं। मशीन के द्वारा ही हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को शरीर से निकालते हैं, पंपिंग भी हम मशीन के द्वारा करते हैं। दोस्तों इस एक्मो वी एक्मो को डालने के लिए हम अपनी बड़ी नाड़ी जो कि हमारी थाई में होती है जिसको हम फिमोरल वेन बोलते हैं, इसमें एक कैनला डालते हैं जो हमारे शरीर के अशुद्ध चैम्बर में जाती है, जहाँ से शरीर से खून लेती है अशुद्ध खून को इस मशीन से होते हुए, मशीन में एक ऑक्सीनेटर होता है, जो ऑक्सीनेटर जो होता है वो हमारे फेफड़े का कार्य करता है, वो ऑक्सीजन डालता है हमारे खून में और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है। और इस मशीन में एक पंप होता है, उस पंप के सहारे हम थाई के रास्ते में एक फ्यूमोरल आर्टरी होती है उसमें एक कैनुला डालते हैं मोटा, उस कैनुले से हमारे सारे शरीर में खून का संचारण होता है। दोस्तों कई बार इस तरह के मरीज जो हैं जो अर्ली हमारे पास अस्पताल में आते हैं उनको कई बार इस मशीन की ज़रूरत ही पड़ती है। हो सकता है कई बार उनमें सांस की मशीन भी ना डालनी पड़े, हम मशीन से ही उनके दोनों अंगों को बचा लें, हो सकता है कि शरीर में और सारी दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, तो इसमें समय ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम इस मशीन के साथ मरीज को पूरा होश में रख सकते हैं, की जो हार्ट की जांच है जिसे हम इको बोलते हैं, इको से उनकी पंपिंग क्षमता नापते रहते हैं, और एवीजी जिसको आर्टेरियल ब्लड गैस बोलते हैं उससे हम अब शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता को नापते हैं। जैसे ही ये दोनों हमारे इम्प्रूव होना शुरू होते हैं हम इस मशीन के जो हमने फ्लो रखा है जिसे हम कार्डिक आउटपुट भी बोलते हैं उसको धीमे धीमे कम करते हैं, और जब हमारे अंग सुचारू रूप से काम करने लगते हैं जैसे कि हार्ट हुआ और फेफड़े हुआ, इस मशीन को हम सकुशल निकाल देते हैं। इस मशीन को निकालने के बाद हमारा मरीज पूर्णतः स्वस्थ होता है। मशीन के साथ साथ हो सकता है कि कुछ परसेंटेज इन्फेक्शन की संभावना है, तो इन्फेक्शन की संभावनाओं को देखते हुए हम मरीज को कुछ एंटीबायोटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी साथ में रखते हैं। दोस्तों इस मशीन को निकालने के बाद हम मरीज को जो अगर उस मरीज में सांस की मशीन है जिसे हम वेंटिलेटर बोलते हैं उसको निकाल सकते हैं। मशीन वेंटिलेटर निकालने के बाद धीरे धीरे जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ उनको धीमे धीमे कम करते हैं, मरीज को एम्बुलेट करते हैं, उसका न्यूट्रिशन करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं। इन सब चीज़ों करने के लिए हमारे पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए। बेसिकली एक्मो जो है ये टीम वर्क है, इसमें अच्छे डॉक्टर जिसे हम आईसीयू इंटेंसिविस्ट कहते हैं, कार्डिक एनेस्थेटिक, कार्डिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, परफ्यूजनिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ये सब के सब हमारे ट्रेंड होने चाहिए। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा कि एक्मो का रोल मैसिव हार्ट अटैक में कैसा है। मैसिव हार्ट अटैक मतलब बहुत बड़ा दिल का दौरा जिसमें मरीज की मृत्यु की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, उस मृत्यु की संभावनाओं को हम इस मशीन के से सहारे कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मरीज की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों हम मैसिव हार्ट अटैक के मरीजों की मृत्यु दर को 50-60% एक्मो के सहारे कम कर सकते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर रामशरण चतुर्वेदी, कार्डिक एनेस्थेटिक, एक्मो स्पेशलिस्ट, जयपुर में कार्यरत हूँ। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे डॉक्टर रामशरण चतुर्वेदी, जिन्होंने हमें सल्फास पॉइजनिंग के अंदर
इक्मो की टेक्निक का क्या यूज़ रहता है, इसके बारे में हमें डिटेल में बताया। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।